एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। गाइस, आज की वीडियो है एक मेकअप ट्यूटोरियल। आप लोग इस लुक को वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी कह सकते हो और पार्लर लाइक मेकअप एट होम भी कह सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, टीनेजर्स हो, तो ये लुक तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही जाएगा गाइस, क्योंकि ये पिंक लुक है और आई नो बहुत सारी गर्ल्स को पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है। और गाइज, अगर आप लोगों की एंगेजमेंट है, आप बहुत सिंपल लुक कैरी करना चाहते हो वो भी घर बैठे, तो आप इस लुक को कैरी कर सकते हो बहुत ही इजिली। और मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं वैसे तो सारे ही अफोर्डेबल हैं, बट गाइस अगर आप लोग के पास इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है तब भी आप अपने प्रोडक्ट के साथ में ही ये लुक कैरी कर सकते हो बहुत ही इजिली। और गाइज, एंड में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, माई ग्लैम ब्रांड ने अपनी एक न्यू लिपस्टिक लॉन्च की है। और आपको पता है इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 395 रुपीज, बट अगर आप लोग मेरे रेफरल कोड से इसको परचेज करते हो तो आपको ये जस्ट 99 रुपीज में मिल जाएगी। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को मुझसे और कुछ जानना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट कर सकते हो। एंड गाइज, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये बाहर से कुछ इस तरीके की है और अंदर से क्या लग्जूरियस पैकेजिंग है गाइज इसकी। सी, मैंने वाइन कलर परचेज किया और इस लिपस्टिक में इतने सारे शेड है ना गाइज, मतलब पागल कर देने वाले शेड है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट से हैं, आपको देखते ही सारे कलर पसंद आ जाएंगे। इस तरह की गाइस इसकी पैकेजिंग है और ट्रेवल फ्रेंडली है, लेकर जा सकते हो, आ सकते हो। इतनी क्रीमी लिपस्टिक है ना, मतलब देखो गाइस, मतलब आंख बंद करके आप इस पे बिलीव कर सकते हो, इतनी अच्छी लिपस्टिक है ये। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, 24 आवर्स तक ये आराम से चल जाएगी। तो आप लोग इसको जरूर जरूर जाकर वहां से परचेज करना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर यूज किया है। टोनर मेरी स्किन को हाइड्रेट करेगा, रिफ्रेश करेगा डीप जाकर। उसके बाद मैंने मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, लाइट वेट है, और मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें। देन मैंने इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस, सीरियसली, मतलब 3-in-1 है। आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और मॉइस्चराइज करेगा। फिंगर की हेल्प से मैं पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगा लूँगी। देन मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 का फाउंडेशन यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर यूज़ किया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊँगी गाइस। नेचुरल सा ग्लो मिलेगा फेस को, और ब्लेंडर की हेल्प से मैं डैप टैप करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड सी, देन मैंने इनसाइड का कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड 04 पोर्सलिन। और गाइज, इतना अच्छा कंसीलर है ना, मतलब इतना नेचुरल सा फिनिश देगा आपके फेस को ना ये, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सीरियसली आप देख सकते हो। मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, देन मैं ब्लेंडर का यूज़ करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और पूरे फेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लूँगी। देन मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट यूज़ किया, जिसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक करके अपनी फेस कॉन्टोरिंग की है, फोरहेड को हाइड किया है और अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग की है। उसके बाद मैंने उसी ब्लश पैलेट से लाइट पीच ब्लश पिक किया और अपने दोनों चीक्स को ब्लशी ब्लशी कर दिया गाइस। उसके बाद मैंने मालयाओ का हाइलाइटर यूज़ किया है, हाइलाइटेड एरियाज़ पर ही मैं अपने फेस को हाइलाइट करूँगी। और उसके बाद मैंने अपनी आईब्राउज़ को कॉम किया है, हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से डार्क ग्रे शेड पिक करके मैंने अपनी आईब्राउज़ को फिल कर लिया है। देन मैंने मालयाओ का यहाँ पर आई शेडो पैलेट से लाइट पिंक शेड पिक करके अपनी दोनों आईज़ पर अच्छे से इसको ब्लेंड किया। देन मैंने डार्क पिंक शेड पिक करके उसको भी ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने सेम इसी आई शेडो पैलेट से एक पिंक शिमरी शेड पिक किया और मैंने सॉफ्ट कट क्रीज क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैक का गाइज लाइनर यूज़ किया है, जो कि ग्लिटर लाइनर है, और उसको मैंने अपनी क्रीज एरिया पर लगाने के बाद मैंने लोअर लैश लाइन पर भी सेम पिंक कलर ब्लेंड किया। देन मैंने अपनी आईलैश को कर्ल किया और ब्लू हेवन की मैंने मस्कारा यूज़ किया है अपनी आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल करने के लिए। ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के बाद मैंने एडियाज़ का यहाँ पर लिप लाइनर यूज़ किया है, पिंक लिप लाइनर। उसको लिप्स पर अप्लाई करने के बाद मैंने लिपस्टिक यूज़ की है। और एंड में गाइज, मैंने यहाँ पर इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, उसकी हेल्प से मैं अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड नाउ गाइज, मेरा लुक रेडी है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लुक है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कैरी कर सकते हो गाइज।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो यार तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।